कुछ विशेष पक्षी होते हैं दोस्तों, जैसे बाज, गिद्ध और चील। इनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है ताकि वह अपने शिकार को आसानी से पहचान सके। और चींटियां अपने समूह की जो चींटियां होती है उनको कैसे पहचानती है, उनके द्वारा जो छोड़ी गई गंध होती है उनसे पहचानती है। कुछ कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े को उसकी गंध से पहचान लेती हैं, जैसे रेशम का कीड़ा। मच्छर कैसे पहचानते हैं दोस्तों, मच्छर मनुष्य के शरीर की गंध व तलवे की गर्मी से अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। सांप सुनता नहीं है अपितु जमीन के कंपन से वस्तुओं को महसूस करता है। पक्षी एक ही समय में 2 भिन्न भिन्न दिशाओं और वस्तुओं को देख सकता है क्योंकि इनके सिर के दोनों ओर अर्थात दाईं और बाईं ओर 2 आँखें होती हैं। हाथी अपने कान से सुनने के साथ साथ हवा भी करते हैं। यह हाथी का ताप नियंत्रित अंग माना जाता है। इसके बाद है दोस्तों कुत्ता, बाघ और शेर। यह अपने मलमूत्र की गंध से अपने विशेष क्षेत्र को पहचानते हैं। इसके बाद है मेंढक, छिपकली। ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। रात में जागने वाले जो जंतु होते हैं वो केवल जंतु या पक्षी होते हैं वो केवल सफ़ेद और काले रंग को ही देख पाते हैं, उदाहरण के लिए उल्लू और रैकून।